लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल. Welcome back to Cindy's World, and in today's video we are going to discuss that how should we plan a special assembly. So हमने रिसेंटली एक स्पेशल असेंबली करी थी एंड उसी के बेसिस पे जो मेरी मिस्टेक्स थी वो उसी से सीख के मैं आप लोगों के लिए आज एक वीडियो बना रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ आर असेंबली, द प्रोग्राम्स ऑफ आर असेंबली एंड हाउ टू मैनेज आर असेंबली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट टॉपिक. सो ड्यूरेशन ऑफ एन असेंबली. सो एक जो स्पेशल असेंबली हम करते हैं उसकी ड्यूरेशन अगर मीन्स 40 मिनट से 1 आवर तक अगर हम करते हैं तो एक आराम से एक स्पेशल असेंबली हो पाती है, हो जाती है. एंड अगर हमको हमारे स्पेशल असेंबली में कुछ लाइक चीफ गेस्ट हैं या कुछ भी ऐसा स्पेशल अपीयरेंस है किसी का और कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं तो हम उसको आगे 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स जितना भी हम करना चाहें उतना कर सकते हैं. ड्यूरेशन की बात हो गई, अब आती है प्रोग्राम्स की. तो देखो स्पेशल असेंबली के लिए हम जब भी स्पेशल असेंबली प्लान करते हैं तो हमें जो अपने प्रोग्राम्स होते हैं वो एक पेज पे लिख लेने चाहिए ताकि जब भी हम स्पेशल असेंबली प्लान करें तो हमको बहुत परेशानी ना हो और हम आराम से कर लें. तो मैं आपको दिखाती हूँ. तो स्पेशल असेंबली में मैक्सिमम 10-15 आइटम्स हम रख सकते हैं एंड कुछ आइटम्स होते हैं जो हर असेंबली में नेसेसरी होते हैं, हर असेंबली में इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड कुछ जो स्पेशल असेंबली में ही हो तो अच्छा होता है. देखिए स्पेशल असेंबली में अगर हम डांस या कोई सिंगिंग का कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है एंड मेक श्योर कि डांस आपके 1, 2 या फिर 3 तो हो ही. एंड अगर आप 2-3 डांस नहीं कर सकते तो फिर आप लोग कोई मैशअप भी बना सकते हैं जिसको जिसके साथ जिस पे आप डांस कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट अ मैशअप वीडियो, मैशअप सॉन्ग की वीडियो चाहिए जो आप लोग असेंबली में कर सकें, सो कमेंट डाउन बिलो एंड हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, सो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे. देखिए सिंगिंग एंड डांस मैंने ऐड करा है, उसके अलावा अब मैं देखिए थॉट न्यूज क्विज एंड पोएम एंड सिंगिंग एंड डांस है. अब किसी बच्चे को कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो लाइक साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी हम अपनी असेंबली में ऐड कर सकते हैं. एंड और भी मैं बताती हूँ, सॉरी मैंने जल्दी में स्पेलिंग गलत लिख दी एक्सपेरिमेंट की. ओके, अब जैसे हमने हमारे स्पेशल असेंबली में एक प्रोग्राम करा था, हमारे स्कूल में जब एक स्पेशल असेंबली हुई थी उसमें एक प्रोग्राम था जिसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज डे था वो थीम था एंड उसके ऊपर कुछ बच्चे टर्न वाइज एक फ़ोटो लेकर आएंगे, वो A4 साइज शीट पे प्रिंट थी एंड बाकी बच्चे जो ऑडियंस हैं उन लोगों को गेस करना था कि कौन वो पोएट या ऑथर है. सो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं. एंड जो थीम होना चाहिए, थीम हमारा एक अच्छे टॉपिक पे होना चाहिए. हम म्यूज़िक ले सकते हैं, म्यूज़िक थीम एंड डांस. यहाँ पे मैंने कुछ थीम मेंशन करे हैं, आप लोग इन थीम पे भी अपनी असेंबली प्लान कर सकते हैं. अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की. तो देखिए स्पेशल असेंबली में मोस्टली पूरी क्लास का इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि स्पेशल असेंबली एक बहुत मीन्स बहुत मेहनत से बनाई जाती है स्पेशल असेंबली एंड उसमें सब लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो एक मस्ट होता है. एंड जो स्पेशल असेंबली होती है वो अगर हम पूरी क्लास के साथ करें तो वो हमारी यूनिटी को भी शो करती है. तो देखिए सबसे पहले ऐसा ना हो, ऐसी गड़बड़ रोकने के लिए कि कोई किसी बच्चे की टर्न आ जाए एंड किसी बच्चे की टर्न नहीं आए असेंबली में, सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनके नाम अपने रजिस्टर या जिस भी डायरी में आप अपनी असेंबली की डिटेल्स मेंटेन कर रहे हैं वो लिख लीजिए. उसके बाद अपने प्रोग्राम्स लिखिए कि आप अपनी स्पेशल असेंबली में क्या क्या प्रोग्राम्स करने वाले हैं. उसके बाद आप हर बच्चे को उसके प्रोग्राम्स असाइन कर दीजिए. अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड कोई भी हासिल नहीं होगी. ओके, सो अब हम बात करते हैं कि हमें कितने दिन पहले अपनी असेंबली की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए. देखिए जो डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं मिनिमम वन वीक आपको डांस परफॉर्मेंस के लिए देना चाहिए ताकि जो फिनिशिंग है और कोऑर्डिनेशन है ग्रुप के बीच में वो अच्छे से आ पाए. हाँ, और अगर आप ग्रुप डांस कर रहे हैं तो उसको 2 वीक्स तो दीजिए. अगर आप इंडिविजुअल डांस कर रहे हैं, अकेले डांस कर रहे हैं तो आप उसको 1 वीक से पहले उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, एंड ग्रुप जो सिंगिंग परफॉर्मेंसेज होती हैं
हैं वो आप 2 days पहले या 1 day पहले स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, बस सिंगिंग में थोड़ी कोऑर्डिनेशन की बात होती है, मतलब जो वॉइस मॉड्यूलेशन होती है सबकी अलग अलग होती है, तो वो वॉइसेस मैच करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो 2-3 days पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब रही बात थॉट, न्यूज, क्विज, पोएम एंड अदर इवेंट्स की, देखिए जो थॉट होता है वो ट्राई कीजिए कि जो थीम है उससे रिलेटेड हो, एंड थॉट हमेशा मोटिवेशनल होना चाहिए, ठीक है। और रही बात न्यूज़ की, न्यूज़ डेली न्यूज़ होती है, एंड क्विज, देखिए क्विज के 2 parts होते हैं, एक होता है क्विज एंड एक होता है रीडल्स। क्विज में जो हमारा थीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सपोज मेरा अगर थीम है इंडिपेंडेंस डे तो मैं फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रखूंगी, अब हमारी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रखूंगी, हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले कैसी हालत थी उस टाइप क्वेश्चन रखूंगी। एंड जो रीडल्स होते हैं, रीडल्स आर लाइक पजल्स, सपोज रीडल्स मैं आपसे एक रीडल पूछती हूँ कि what is the only vegetable, what is the only thing which has a room but no windows or doors, तो इसका आंसर मशरूम। इस टाइप के आप कुछ रिडल्स ले सकते हैं, तो क्विज एंड रिडल्स ये 2 programs हो जाते हैं हमारे। दूसरा आता है हमारी पोएम, तो अगर आप लोगों की 40 मिनट्स की असेंबली है तो ट्राई कीजिए आपके पोएम में ओनली 4 to 5 स्टैंजाज ही हों, क्योंकि बाकी जब प्रोग्राम आता है तो उनमें भी टाइम लग जाता है। एंड अगर आप लोगों को 1 hour की असेंबली की परमिशन मिल चुकी है तो आप अपनी पोएम को 5 minutes से लेकर 10 minutes की पोएम भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइंस एक्सपेरिमेंट एंड अदर थिंग्स, देखिए जो साइंस एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके लिए आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में साइंस एक्सपेरिमेंट्स करिए, एंड कभी भी असेंबली में इस टाइप के एक्सपेरिमेंट ना करें जो ओनली लैब में हो सकते हैं, एंड अगर आप असेंबली में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बाद आता है जोक्स, जोक्स अगर आप असेंबली में अगर आपको परमिशन मिलती है, अलाउड करते हैं टीचर्स, आप तो ही ऐड करिए, उसके अलावा अगर आपको नहीं परमिशन मिलती तो प्लीज़ जोक्स ऐड मत करिए। हमने भी ऐसे जोक्स ऐड करे थे और हमें डांट पड़ी थी, सो पहले अपने टीचर से परमिशन लें और उसके बाद डांस करें। एक जो प्रोग्राम हमारे पास आता है वो होता है हमारा कोई नुक्कड़ नाटक हो सकता है, कोई प्ले हो सकता है, इंग्लिश प्ले या फिर हिंदी प्ले या फिर कोई हरियाणवी प्ले भी हो सकता है, या जो भी जिस भी रीजन में आप रहते हैं, जिस भी लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है आपकी, उस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। देखिए नुक्कड़ नाटक जो होता है वो ऑलवेज फनी होना चाहिए, एंड मीन्स हम नुक्कड़ नाटक में ऐसा ट्राई करना चाहिए कि कोई सीरियस टॉपिक भी है, जैसे मेंटल इलनेस हम टॉपिक ले लेते हैं, एंड वो भी हमें ट्राई करना चाहिए कि उसको एक फ़नी वे में दर्शाए, उसका एक फ़नी वे में शो करें, ताकि लोगों को हंसी आए और असेंबली हमारी बोरिंग ना हो। उसके अलावा आप इंग्लिश प्लेज भी कर सकते हैं, इंग्लिश प्ले अगर आपको कहीं ना मिले तो आप अपनी इंग्लिश की जो बुक होती है उससे भी कोई प्ले ले सकते हैं, उससे कोई स्टोरी ले सकते हैं, उसको प्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड हिंदी प्ले एंड हरियाणवी प्ले भी आप सेम तरह से अपनी बुक में से ले सकते हैं। एंड सो दैट वाज फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।